गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी एस एन द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मेरी बहन। ये एक कहानी है। इस कहानी में भाई बहन के प्रेम को दर्शाया गया है और ये बताया गया है कि चाहे भाई बहन आपस में कितना भी लड़ें, उनमें कितना भी मनमुटाव क्यों ना हो, किंतु जब उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है या कोई उनको परेशान करता है या कोई बाहर का व्यक्ति उनसे लड़ने आ जाता है तो भाई बहन एक दूसरे की सहायता करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि भाई बहन का जो प्रेम है उसमें कितनी गहराई है। तो बच्चों, आज इस कहानी को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम अक्षय है, मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है, उसका नाम चीनू है। इसमें दो भाई बहन हैं, एक जो लड़की है उसका नाम चीनू है और जो भाई है उसका नाम अक्षय है। जो बहन है बड़ी है और जो उसका भाई है चीनू वो उससे छोटा है। घर में सिर्फ मम्मी पापा और हम भाई बहन हैं। पता नहीं क्यों शुरू से ही मेरी और चीनू की ज़्यादा बनती नहीं बनती थी। मैं जो कुछ खाता चीनू उससे अलग ही कुछ खाती। फिर मेरा मन करता मैं उसके वाली चीज़ खा जाऊँ। कभी कभी तो वह मुझे अपनी चीज़ दे देती, कभी कभी मना कर देती। तब तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता कि पूछो मत। इसमें जो अक्षय है वो अपनी कहानी को बता रहा है कि मेरी बहन जो है चीनू है वो जो भी कुछ खाती कुछ अलग खाती थी। तो अक्षय का मन भी उसको खाने के लिए करता, चीनू का मन होता तो वो उसको दे देती थी, लेकिन कभी कभी जो मना कर देती तो अक्षय को बहुत गुस्सा आता। बच्चों, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, आपके भाई बहन भी आपके साथ करते होंगे कि कोई चीज़ आई घर में और आपको शायद वो नहीं खानी हो, आपका भाई या बहन उसको खा रही है तो आपका भी मन उसको खाने के लिए करेगा। आप उससे मांगोगे, उसका मन होगा तो वो आपको देगा या देगी, किंतु मन नहीं होगा तो वो आपको नहीं देगा, तो आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा, ठीक है ना। एक बार पापा आम लेकर आए, मम्मी ने आम धोकर एक मुझे दे दिया, एक चीनू को दे दिया। मेरी नज़र अपने आम पर कम और चीनू के आम पर ज़्यादा थी। ऐसा होता है, आपने देखा होगा बच्चों कि कोई चीज़ आई तो हम ये देखते हैं कि उसके पास जो चीज़ है वो बड़ी है और जो मेरे पास है वो छोटी है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो बड़ा वाला आम या कोई वो जो बड़ी वाली चीज़ है वो मेरे पास आ जाए और ये छोटा वाला उसके पास चला जाता। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ है। मुझे लगा कि चीनू का आम मेरे आम से ज़्यादा बड़ा है। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरा आम छोटा है, चीनू का आम बड़ा है, मुझे वह आम चाहिए। मम्मी ने कहा, नहीं बेटा दोनों आम बराबर हैं। ये देख, ये दो आम और रखे हैं, एक तेरे पापा के लिए है, एक मेरे लिए। अगर तुझे कोई और आम चाहिए तो इनमें से चुन ले। वो अपनी मम्मी को कहता है कि आपने जो चीनू को आम दिया है वो बड़ा है और मेरा आम छोटा है। तो उसकी मम्मी उसे समझाती कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, यदि फिर भी तुमको ऐसा लग रहा है तो ये दो आम और रखे हुए हैं, एक तुम्हारे पापा के लिए और एक मेरे लिए, तो तू इनमें से ले लो और खा लो। किंतु वो बच्चा थोड़ा जिद्दी किस्म का है। मुझे तो सारे आम चीनू के आम से छोटे लग रहे थे। मैंने कहा, नहीं मुझे तो चीनू वाला आम ही चाहिए। वो जिद कर लेता है कि मुझे वही आम चाहिए। तब चीनू बोली, मैं अपना आम क्यों दूँ, मुझे जो आम मिला है मैं वही खाऊंगी। यह कहकर चीनू ने अपना आम खाना शुरू कर दिया। अब तो मेरा रोना धोना शुरू हो गया। मम्मी ने मुझे चुप करवाने के लिए कई बार समझाया, लेकिन मैं और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मम्मी ने कहा, ये गलत बात है बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पर रोना अच्छी बात नहीं है, तुम अब बड़े हो गए हो। मम्मी समझाती है कि तुम इस तरह की जो हरकत कर रहे हो वह अच्छी हरकत नहीं है, अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह रोना धोना अच्छी बात नहीं है। मैंने रोते रोते कहा, अभी सिर्फ 7 साल का तो हूँ और फिर अगर बड़ा हो भी गया हूँ तो क्या चीनू से तो छोटा हूँ। यह बात सुनकर चीनू ने मेरी तरफ देखा, उसने अपना आम खाना भी छोड़ दिया। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने अपना आम मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोली, ले तू ये भी खा ले। पर अब मेरे दिमाग में एक नई बात आ गई। मैंने उसे रोते रोते कहा, मुझे नहीं चाहिए तेरा आम, आधा तो तू पहले ही खा चुकी है। ऐसा बच्चों के साथ होता है, पहले हम किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं
और जब वो जिद पूरी होने को आती है तो हम एक नया बहाना और ढूंढ लेते हैं। अब जैसा चीनू ने, पहले वो चीनू का आम खाना चाहता था, अब वो जिद करने लगा, रोने लगा। तो चीनू ने उसे देखा कि उसका भाई रो रहा है, तो चीनू कहती है कि तू आम ले, अब तू खा ले। किंतु अक्षय के दिमाग में एक और नई बात आ गई कि मैं आम क्यों खाऊं, ये तो आधा हो चुका है। मेरी बात सुनकर चीनू ने कहा, ठीक है, रोता रहा ऐसे ही, मैं तो खेलने जा रही हूँ। मुझे लगा चीनू मुझे चिढ़ाने के लिए यह बोल रही है। हम दोनों रोज शाम को एक साथ पीपल वाले पार्क में खेलने जाते थे, लेकिन आज तो मुझे चीनू पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने कहा, तो जा खेलने अकेले, किसने रोका है, मैं भी खेलने जा रहा हूँ झूले वाले पार्क में। यह कहकर मैं चप्पल पहनकर चल दिया। पीपल वाला पार्क हमारे घर के पास ही है, लेकिन झूले वाला पार्क थोड़ी दूर है। मैं पैर पटकते पटकते चल रहा था, गुस्से के कारण मेरी सांस तेज तेज चल रही थी। मैं सोच रहा था कि कितनी बुरी है मेरी बहन, दुनिया में सबकी बहन कितनी अच्छी है, बस मेरी बहन ही सबसे खराब है। अब वो अक्षय सोचता हुआ जा रहा है कि दुनिया में सबकी बहनें अच्छी हुई, लेकिन मेरी बहन ही सबसे खराब है। कितना अच्छा होता अगर मैं चीनू से बड़ा होता, तब मैं उसका कितना ख्याल रखता। अब वो उस जगह पर रख के अपने आप को सोच रहा है, यदि मैं चीनू से बड़ा होता तो मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता, वो जो मुझसे मांगती मैं उसे दे देता और उसे बहुत प्यार करता। हर चीज़ तो नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ तो ज़रूर दे देता, पर आम तो मैं सबसे बड़ा वाला ही खाता। आम को छोड़ो, चीनू तो हमेशा मुझे परेशान ही करती रहती है, बिना बात मुझे रोकती टोकती रहती है, ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। अपने आप को बड़ा होशियार समझती है। आज के बाद कभी उससे बात नहीं करूँगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है बच्चों, और आप लोगों के साथ भी होता होगा, और आप लोग ऐसा करते भी होंगे कि हम सोचते हैं कि नहीं, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ वैसा नहीं करूँगी। तो ये चीज़ छुटपुट लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है हम लोग। जब कोई मुसीबत आती है उसके ऊपर तो हम भागकर अपने भाई को या बहन को उससे बचाते हैं। यही सब सोचते सोचते मैं झूले वाले पार्क में पहुंच गया। इस पार्क में बस एक ही झूला है, बाकी सब पता नहीं कब से टूटे पड़े हैं। झूले पर बच्चों का जमघट लगा रहता है, जमघट यानी कि भीड़, लेकिन आज उस झूले पर कोई नहीं झूल रहा था। मैं लपक कर उस झूले पर चढ़ गया, झूलने लगा, मैंने आंखें बंद कर ली और सब कुछ भूल गया। आंखें बंद करने पर भी मुझे पता चल रहा था कि मैं कब ऊपर पहुंचा, कब नीचे आया और फिर कब ऊपर पहुंच गया। उस बच्चे अक्षय को पता चल रहा था कि झूल रहा है, कि जब हम ऐसे लहरे हिलोरे खाते हैं झूले पर तो कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, तो उसको फील हो रही थी ये सारी चीज़ें। अचानक झटका सा लगा और घबरा कर मैंने अपनी आंखें खोल ली। देखा, पिंटू और कुक्कू ने झूले को पकड़कर रोक लिया। पिंटू और कुक्कू दोनों हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन उनका कोई दोस्त नहीं बनता। दो बच्चे आते हैं, वो उसके झूले को पकड़कर रोक लेते हैं, और वो कौन उसके पड़ोस में रहने वाले बच्चे हैं। वे हमेशा सबसे झगड़ते हैं और बिना वजह दूसरों को परेशान करते हैं। मैंने जब देखा कि उन्होंने झूला पकड़ रखा है तो समझ गया कि वे मुझे झूले पर से उतरने के लिए कहेंगे। ऐसा ही हुआ। पिंटू ने कहा, बहुत झूल लिया, चलो उतर, अब हमारी बारी है। मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं नहीं उतरूँगा। अक्षय बोलता है कि मैं अभी अभी आया हूँ, मैं नहीं उतरूँगा। मैंने अपनी आवाज़ में सख्ती लाने की कोशिश की, लेकिन मैं अंदर ही अंदर समझ गया कि अब वे झगड़ा करेंगे। अब कुक्कू ने कहा, सुना नहीं तूने, ये हमारा झूला है, चल भाग यहाँ से। और जो कुक्कू और पिंटू थे वो उस बच्चे को वहाँ से, अक्षय को भगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं यहाँ पहले आया था, मैं क्यों उतरूँ, तुम कहीं और जाकर खेल लो, मैंने कहा। अक्षय बोलता है कि पहले झूले पर मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं झूलूंगा, तुम लोग कहीं और जाकर खेल लो, ये ऐसे नहीं मानेगा, कहकर कुक्कू ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं झूले से नीचे गिर गया। जैसे ही मैं गिरा, पिंटू ने मेरी कमीज पकड़कर मुझे खड़ा कर दिया और चिल्लाकर कहा, अब तू देख हमारी बात ना मानने पर तेरा क्या हाल होता है। वो बच्चे के बदमाश थे, शैतान थे वो लोग, और हमेशा सबसे लड़ाई झगड़ा ही करते रहते थे।
तो वो क्या करते हैं, अक्षय को झूले से धक्का देते हैं, अक्षय नीचे गिर जाता है और दूसरा बच्चा उसको खड़ा करता है और कहता है कि देख तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरा क्या हाल करते हैं। अब अक्षय क्या कहता है, मैं बुरी तरह डर गया था, मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, तभी मैंने चीनू की आवाज़ सुनी, छोड़ दे मेरे भाई को। मैंने आंखें खोलकर देखा, चीनू दौड़ते हुए मेरे पास आ रही थी, इतने गुस्से में मैंने उसे कभी नहीं देखा था। चीनू को देखकर पिंटू और कुक्कू हड़बड़ा गए, पिंटू ने मेरी कमीज छोड़ दी। चीनू को देखकर मुझे आज तक इतनी खुशी नहीं हुई थी, मैं खुश भी था और हैरान भी। जब ये पिंटू और कुक्कू अक्षय से लड़ाई कर रहे होते हैं तो चीनू वहाँ आती है और आवाज़ लगा के कहती है कि छोड़ दे मेरे भाई को। तो पिंटू और कुक्कू उसकी बहन को देख के हड़बड़ा जाते हैं, किंतु जो अक्षय होता है उसको बहुत खुशी होती है और इतनी खुशी होती है कि आज से पहले उसको कभी नहीं हुई थी। चीनू, मैंने चिल्लाकर उसे पुकारा, तब तक वह हमारे पास पहुंच गई थी। बोली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपने छोटे बच्चे को परेशान करते हुए? मुकाबला करना है तो मुझसे करके देखो, नानी याद ना दिला दी तो मेरा नाम चीनू नहीं, खबरदार अगर आज के बाद मेरे भाई को परेशान किया तो। याद रखना ये चीनू का भाई है, समझ गए? कुक्कू और मिंटू ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिसक गए। मैं यहाँ मुस्कुरा रहा था, मैंने पूछा, चीनू तू यहाँ कैसे आ गई? अब जो चीनू होती है वो बच्चों को डांटती है, कुक्कू और पिंटू को, कि तुम्हें शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हो, यदि तुम्हें लड़ना है तो अपने बराबर के जो बराबर वाले हैं तुम्हारे साथ वाले उनसे लड़ो, मैं तुम्हारे बराबर की हूँ तो तुम मुझसे लड़ो, छोटे से बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो? तो वो बच्चे जो कुक्कू और पिंटू होते हैं वो डर से चले जाते हैं। तो फिर जो अक्षय है वो चीनू को पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई? तेरे साथ खेलने के लिए आई हूँ, अपने भाई को खेलने के लिए अकेला कैसे छोड़ देती भला, चल दोनों मिलकर पीपल वाले पार्क में खेलते हैं। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीपल वाले पार्क की तरफ चल पड़े। चीनू पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही थी, ये मत किया कर, वो मत किया कर, जैसा वो हमेशा कहती थी, लेकिन अक्षय को ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज वो सब इन चीज़ों को देखकर बड़ा खुश हो रखा था, पर उसकी बातें मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रही थी। मैं तो एक ही बात सोच रहा था, दुनिया में सबसे अच्छी मेरी बहन है। अब वही अक्षय जो अपनी बहन थोड़ी देर पहले अपनी बहन के लिए सोच रहा था कि मेरी बहन तो सबसे बुरी है, दुनिया में सबकी बहनें अच्छी हैं, बस अक्षय अब ये सोच रहा था कि मेरी बहन दुनिया में सबसे अच्छी है। तो यही होता है भाई बहन का प्रेम, चाहे कितना भी लड़ लें झगड़ लें, लेकिन एक दूसरे की सहायता करने के लिए वो पहुंच ही जाते हैं। तो बच्चों ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, आप भी अपने भाई बहन के साथ ऐसा ही करते होंगे। ठीक है बच्चों, यह जो कहानी थी ये अक्षय कुमार दीक्षित द्वारा लिखी हुई थी और आज ये कहानी समाप्त होती है। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है फर्क। फर्क का मतलब होता है अंतर। हड़बड़ाना, जल्दबाजी करना। पार्क, खेल का मैदान। मुकाबला, सामना। तो बच्चों आशा करती हूँ ये पाठ आपको आज अच्छे से समझ में आ गया हो। धन्यवाद।